हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षकों के सामंजन से संबंधित प्राथमिक शिक्षा निदेशक का पत्र जो है वो जारी हुआ है सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार। विषय है इसका, राज्य में वैसे दो या दो से अधिक विद्यालय जो एक ही विद्यालय के भवन में संचालित है उन्हें एक विद्यालय में समांजित कर अतिरिक्त शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में। तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो एक ही बिल्डिंग में दो विद्यालय या दो से अधिक विद्यालय संचालित है तो उन सभी को एक ही विद्यालय में समांजित कर देना है और जो अतिरिक्त शिक्षक बच जाते हैं उनका स्थानांतरण कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रसंग दिया गया है, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में 15 जिला यथा जहानाबाद, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, वैशाली, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, कैमूर, जमुई, बांका, पूर्वी चंपारण, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, सहरसा एवं नवादा से प्रतिवेदन हार्ड कॉपी में प्राप्त हुआ है लेकिन सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं कराया गया है। शेष जिला से अब तक अद्यतन प्रतिवेदन अप्राप्त है, अतः निर्देश है कि वैसे जिला जिनके द्वारा प्रतिवेदन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है वे संलग्न विहित प्रपत्र में प्रति हस्ताक्षरित अद्यतन प्रतिवेदन हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिनके द्वारा हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराया गया है वे उसका सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सर का ये 11 के डेट में जारी हुआ है और ये फॉर्मेट जो है इसको भरना है, दो या दो से अधिक विद्यालय जो एक ही विद्यालय भवन में संचालित है उन्हें एक विद्यालय में समांजित कर अतिरिक्त शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किए जाने के संबंध में। सबसे पहले ना यहाँ मूल विद्यालय का विवरण देना है, फिर मूल विद्यालय के अतिरिक्त संचालित विद्यालयों का विवरण देना है, ठीक है। और इसके बाद संविलियन होने के पश्चात छात्र तथा शिक्षक का विवरण जो है वो पूरा देना है इसमें, मतलब प्रखंड का नाम हो गया, मूल विद्यालय का नाम हो गया, U-कोड, वहाँ कमरों की संख्या कितनी है और कितने कमरों का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या कितनी है, कुल छात्र की संख्या कितनी है, मूल विद्यालय में उस विद्यालय के अतिरिक्त संचालित विद्यालयों की संख्या कितनी है, सारा डाटा जो है वो भरना है। और नीचे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सब शिक्षा अभियान और जिला शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर जो है सो होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।